पृथ्वी एक ऐसी चीज़ जो करोड़ों और लाखों जीवों का भरण पोषण करती है। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, जहाँ पर हम रहते हैं उस जगह क्या है तथा उसके ऊपर क्या है, कैसी दिखती है हमारी पृथ्वी। किंतु क्या दोस्तों, आप जानते हैं हम पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के गहराइयों के अंदर क्या दबा है, और हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर क्या है। दोस्तों, आप इन सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंदर। और अंत में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि ग्रो ऐप से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर के ऊपर, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि धरती की गहराई में क्या है। क्या सच में पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पृथ्वी शेषनाग के पन पर टिकी हुई है। दोस्तों, पृथ्वी पर कई प्रकार के लहर होते हैं, और इन्हीं लहर के कारण पृथ्वी बनी है। और जैसा कि आप सुनते हैं कि पृथ्वी नाग शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है, ये बिल्कुल एक मिथ और गलत अवधारणा है। दोस्तों, पृथ्वी पर पाई जाने वाली इन सब अलग अलग लेयर को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, इन्हीं सब लेयर से मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। जहाँ दोस्तों हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे बाहरी लेयर होती है जो चट्टान, खड़क और पत्थरों से मिलकर बनी होती है। यह अन्य लेयर से पतली होती है, लेकिन सॉलिड लेयर होती है। दोस्तों, इस लेयर के दो भाग होते हैं, एक है ओशियन क्रस्ट और दूसरी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दोस्तों, पृथ्वी की गहराई वाली जगह की बात करें तो भी यह कुल गहराई की तुलना में कुछ जगह ही सीमित है। यहाँ सबसे गहरा समुद्र भी सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही है। पृथ्वी की असली गहराई दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पृथ्वी की असली गहराई क्रस्ट वाले भाग के बाद शुरू होती है। दोस्तों, क्रस्ट महासागरों और महानदियों महाद्वीपों की गहराई से 100 किलोमीटर और नीचे फैली हुई है। इसका टेम्परेचर अंदरूनी भागों में 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों, पृथ्वी की अगर हम दूसरी लेयर की बात करें तो यह सबसे बड़ी लेयर होती है, और दोस्तों इसको मेंटल कहते हैं, जो कि दोस्तों 2900 से 3000 किलोमीटर तक गहरी होती है। और दोस्तों, यहाँ के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 4000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर होता है। दोस्तों, मेंटल और क्रस्ट के बीच में एक और लेयर होती है जिसे लिथोस्फीयर लेयर कहते हैं, और इस लिथोस्फीयर की खाली जगह से हॉट मैग्मा ट्रेवल करके पृथ्वी की सरफेस तक पहुंचता है और वोल्केनोस के द्वारा लावा के रूप में बाहर आ जाता है। दोस्तों, ये लिथोस्फीयर एक सेमी लिक्विड लेयर पर तैरती है दोस्तों, जिसे कि एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों, ये एस्थेनोस्फीयर मेंटल के ऊपर ही आती है। यह एक प्लास्टिक जैसी मटेरियल से बनी होती है। इसी के कारण दोस्तों कभी कभी सॉलिड लिथोस्फीयर इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करने लग जाती है। दोस्तों, अब अगर मेंटल लेयर के और नीचे चलें तो वहां आता है पृथ्वी का कोर भाग, जो कि दो भागों आउटर कोर तथा इनर कोर में बंटा होता है। दोस्तों, इसे लिक्विड कोर तथा सॉलिड कोर भी कहते हैं। दोस्तों, लिक्विड कोर या आउटर कोर की बात करें तो यह पृथ्वी में 5200 किलोमीटर की खुदाई के बाद मिलता है। यह पूरा हिस्सा आयरन से बना होता है और इसका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कारण यहाँ के आयरन लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। दोस्तों, इसी लिक्विड कोर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनी है, जिससे हमें कंपास में दिशा का पता चलता है। दोस्तों, इसके नीचे चलने पर पृथ्वी की 1200 किलोमीटर गहरी इनर कोर आती है। यह निकल और सोडियम आयरन से बनी होती है। दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर सूर्य की सरफेस जितना लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर के बावजूद भी दोस्तों यह लेयर पृथ्वी की दूसरी लेयर के
प्रेशर के कारण सॉलिड फॉर्म में रहती है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर की बनावट की स्ट्रक्चर के लिए हम सेस्मिक वेव का यूज़ करते हैं, जो कि पृथ्वी के इन सब लेयर के बारे में इतना बताती है। दोस्तों, ये वेव एनर्जी वेव होती है जो कि रॉक की डेंसिटी बदलने पर ग्रेजुएट होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, लावा या अन्य कारकों के ज़मीन से निकलने वाले डीप रॉक से भी हम अलग लेयर की स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में बताए अनुसार अगर आप भी ग्रो ऐप से दोस्तों पैसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और ग्रो के अंदर अपना अकाउंट ओपन कीजिए, डीमैट अकाउंट बनाइए और दोस्तों और 100 रुपये का कैशबैक तुरंत पाइए। हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।